हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त केवी वंजारा फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। अब तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा हमें कौन सी चीज़ कार के अंदर ध्यान देनी चाहिए और हमें करा लेनी चाहिए। ओके, अगर हमारी कार में कंप्लीट नहीं है तो हमें करा लेनी चाहिए। तो आज मैं आपको उसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, तो प्लीज़ चलिए स्टार्ट करते हैं कार। ओके ओके अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्या क्या अपने घर में इस समय बारिश के समय क्या क्या कंप्लीट होना चाहिए। ओके चलिए एसी ऑन करता हूँ। ओके एसी के फंक्शन के बारे में बता देता हूँ आपको कि बारिश में मैं क्या काम करते हैं। देखिए जैसे हमने एसी ऑन किया, ओके, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि एकदम चिल ठंडी हवा आ रही है जो हमें बारिश में कोई काम नहीं लगती है, लगती है पर इतनी सारी नहीं है। ओके तो हमें बारिश में हमारे जो सामने वाला जो ग्लास है, ओके, मेन ग्लास फ्रंट ग्लास, वो क्लीन होना चाहिए। क्यों, कितनी भी बारिश की है तो क्लीन होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एसी में जो सेटिंग आता है वो मैं आज आपको बताऊंगा कि एसी में कैसे सेट करते हैं। ओके देखिए यहाँ पे ऊपर जो फ्लोर दिया है यहाँ पे सेटिंग दिया है। ओके देखिए इस तरह से हमें घुमाना है। ओके और यहाँ दूसरा पे ब्लू से हमें रेड पे ले जाना है इस तरह से। देखिए ऊपर कंप्लीट एयर आने लगा है। ओके तो इससे क्या होता है, एयर जब आता है तो हमारे जो फ्रंट ग्लास होता है जैसे हमें देखना होता है वो क्या होता है, क्लीन दिखाई देता है हमें। देखिए एकदम क्लीन दिखेगा आपको, ये देखिए ये वाला मार्क, हमें ये वाले मार्क लाना है और ये वाले मार्क लाना है। ओके तो ये वाले मार्क को आप लाओगे आप एसी, तो आपका जो डैशबोर्ड के ऊपर जो ग्लास के पास दिया हुआ है एयर के लिए, तो वहाँ से क्या होगा कि ऊपर एयर आएगा। एयर आने की वजह से क्या होगा, देखिए जो आपको बताता हूँ होगा कि स्टॉप हो जाएगा एयर, उसके बाद जो ऊपर की ओर है वहाँ से एयर आएगा। ओके तो इससे क्या होगा, हमारा फ्रंट ग्लास है वो एकदम क्लीन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे कितनी भी बारिश आएगी तो हमारे ग्लास में एकदम क्लीन होगा, हमें साफ साफ दिखाई देगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और क्या करना चाहिए, किस बातों का ध्यान देना। चलिए दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो वाइपर दिया हुआ आप ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये वाला देखिए निशान पड़ रहा है जो बारिश में नहीं पड़ना चाहिए, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। ये जो वाइपर ब्लेड देखते हो आप, ये वाइपर ब्लेड इसे हमें चेंज करा देना है। ओके कोई भी गैरेज या वर्कशॉप में चेंज कर देगा, अगर आपको खुद को करना है तो आप खुद भी कर सकते हो, कुछ नहीं इजी नहीं है। देखिए इस तरह से पकड़ना होता है, पुश करना होता है हमें थोड़ा सा हल्का सा। ओके देखिए इस तरह से निकल जाता है, और किस तरह से इसे बिठाते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए ये न्यू वाला है। ओके तो इसे हम निकालते बाहर, और किस तरह से इसे प्रेस करके हम बिठाते वो आपको बताता हूँ। चलिए इसे बाहर निकाल लेते हैं। डंडी को ऊपर कर लो, फिर उसका खाज जो आता है उसके अंदर डालो, ये वाला खाज दिया होता है, लॉक दिया होता है, उसके अंदर थोड़ा प्रेस करना होता है और हमें हल्का सा पुश करना होता है इस तरह से। ये देखिए हमारा वाइपर कंप्लीट काम करने लगा। तो ये क्या होता है, पानी काटने के लिए वाइपर आता है, अगर पानी सही से काटेगा नहीं तो क्या होगा, हमें दिखाई नहीं देगा सही से। ये ज़रूरी है, चेंज करना ज़रूरी है। ओके बारिश के मौसम में चलिए थर्ड टॉपिक पे और बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक की बात करें तो हमें लाइट चेक करनी चाहिए, पहली लाइट हेडलाइट चेक करनी चाहिए। ओके कि सही से हमारी काम कर रही है या नहीं, अपर डिपर लग रही नहीं है। ओके देखिए अपर डिपर लग रहा है, उसके बाद हमें साइड लाइट चेक कर लेनी चाहिए, बारिश के मौसम में साइड लाइट बहुत काम लगता है, बहुत यूज़फुल होता है साइड लाइट। देखिए साइड लाइट भी हमारी कम्प्लीट काम कर रही है। चलिए पीछे की ओर बढ़ते हैं, देखिए ये जो फेंडर लाइट है वो भी कम्प्लीट काम कर रही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी लाइट बैक लाइट भी कम्प्लीट काम कर रही है। ओके तो इस तरह से बात आप ध्यान दीजिए अपनी कार में, और सेफ रहिए। इसी तरह के एक से एक मैं वीडियो लाते रहता हूँ आपके लिए। अगर आपको कोई भी कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और मेरे इंस्टाग्राम की लिंक भी दी उसे भी फॉलो कर लेना। अब तक आपने ढेर सारा प्यार दिया है, इसी तरह देते रहना आगे भी।